आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में कहा कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर योगी सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। जनता के पैसों से मंत्रियों को विदेश घुमाया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स के नाम पर 35,000 करोड़ रुपए का जो MOU साइन किया है उससे ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ जो जमीन पर ही नहीं और 16 देशों की यात्रा पर जो मंत्री गए थे उनकी भी जांच हो और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। निकाय चुनाव को लेकर संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी 763 इकाइयों में अपने प्रत्याशी उतारेगी और जनवरी से सेल्फी विद कूड़ा अभियान चलाएगी। तमाम मुद्दों को लेकर संजय सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। विश्वविद्यालय में 25 लोगों का स्टाफ है जितना यहां बगल किसी रेस्टोरेंट में होगा, इतना ही स्टाफ उस विश्वविद्यालय में 25 लोगों का जितना लखनऊ के किसी रेस्टोरेंट में स्टाफ होगा, किसी ठीक ठाक रेस्टोरेंट में उतना उस विश्वविद्यालय का स्टाफ है। और उससे 35,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हो गया। तो मेरा आरोप यह है कि ये इन्वेस्टमेंट समिट करोड़ों अरबों का एक घोटाला है और उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लूटने का काम इस इन्वेस्टर समिट के नाम पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। संजय जी, आज आपने तीन अहम मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या हुआ? देखिए, एक तो इन्वेस्टर समिट जो 2 साल हुए उस पे एक व्हाइट पेपर आदित्यनाथ जी को जारी करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितना रोजगार मिला। दूसरा विषय, अभी 35,000 करोड़ रुपए का एक MOU साइन किया है यूपी की सरकार ने, आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उस ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ जो जमीन पे है ही नहीं, 35,000 करोड़ का। तो इसका सच भी प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। 16 देशों की सैकड़ों यात्राएं इनके मंत्रियों और अधिकारियों ने की है, उसकी जांच करिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में MCT चुनाव में आपको बड़ी जीत मिली है, उसके बाद निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी रखी है? 1 तारीख से हम लोग सेल्फी विद कूड़ा का अभियान शुरू कर रहे हैं, जैसे सेल्फी विद सरकारी स्कूल था, और 763 नगर निकायों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यूपी की जनता से एक ही अपील है, जाति धर्म से बाहर निकलिए और अब काम के नाम पर वोट दीजिए। एक मौका मोदी जी को दिया, एक योगी जी को दिया, ये शहरों की सफाई का मामला है, ये झाड़ू वालों को दीजिए। एक मौका उत्तर प्रदेश में ताकि उत्तर देश के जो शहर हैं उत्तर प्रदेश में साफ तक किया जाए। कैमरा पर्सन के साथ।